अगर 5 डिजिट नंबर आप कीबोर्ड से एंटर कराएंगे, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है ताकि आप कैलकुलेट कर सके सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जैसे आपने कहा 5, 6, 9, 3, 8, तो 5 + 6 + 9 + 3 + 8 ये आपको रिजल्ट में दिखाना है। तो आप इसमें मॉड्यूलो, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इसमें हिंट दी गई है। डिवीजन ऑपरेटर ध्यान रखिएगा हमेशा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप 5 और 13 ही वाला है, तो 5 और 13 अगर 13 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5 2 10, क्या बचा आपका 3। ये जो है ये रिजल्ट है 5 13 / 5 2 और 13 modulo 5 रिजल्ट है ये 3। और समझिए डिवाइड से क्या होता है और मॉड्यूलो से क्या होता है, मॉड्यूलो से आपको रिमाइंडर आता है, डिवाइड से आपको ये जो जिस जो जिस लेवल तक ये डिवाइड हो रहा है और जितना रिमेनेंट बचा, तो ये वाली चीज आपकी इससे आती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन भी दिख रहा है, आपको रिमाइंडर भी दिख रहा है, डिविजन भी दिख रहा है। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले आप एक प्रोग्राम लिखें, यहाँ पर बढ़िया से एक कमेंट लिखें सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर या जो भी दिया हो 5, 6, 7। फिर आपको इंक्लूड कराना है stdio.h, conio.h। फिर मेन प्रोग्राम शुरू करिए, ग्रेस दीजिए। अब आप एक काम करिए, ये NUM नंबर, ये आप क्या करेंगे, ये आपको नंबर जो मिलेगा वो इसमें ले लेंगे, एक A और N, ये जो वेरिएबल है इसके नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा A और N क्या करेंगे। शुरुआत करिए सम इक्वल टू 0। अभी सम 0 है, ध्यान रखिएगा जब दो अलग अलग वैल्यू का सम करना होता है तो सम आप शुरुआत में 0 रखेंगे। ऐसे जब प्रोडक्ट करना होता है तो PROD करके ऐसा एक करके एक वेरिएबल लीजिए जिसको 1 रखना है, वो प्रोडक्ट में होता है। जब भी प्रोडक्ट निकालना होता है तो PROD 1 रखते हैं, इनिशियल हमारा 1 × समथिंग होगा। ऐसे ही अगर सम है जब 0, क्योंकि अभी कुछ भी सम नहीं, सम इक्वल टू 0 रखेंगे। अब देखिए सम क्यों 0 रखा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सम में कोई भी गार्बेज वैल्यू रहे, वो इनिशियली आपके पास 0 रहे। अब यूजर से बोलिए कि आप जरा 5 डिजिट नंबर दीजिए। अब ये भी कर सकते हैं कि ये जो नंबर है इससे कम हो, यानी कि आपकी जो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है बेसिकली, ये तो मैक्सिमम नंबर जो यूजर, क्योंकि यूजर तो फ्री है, वो आपके 9999 ये भी तो डाल सकता है, यूजर तो ही इज फ्री, तो आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि देखिए साहब यहाँ तक नंबर डालिए, इसलिए ये दिया हुआ। अब जो भी नंबर आएगा उसको स्कैन करा लीजिए नम में। अब आपने क्या दिया, देखिए अगर मैं इसको ये वाले को 10 से डिवाइड करता हूँ, तो अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, देखिए एक ही चीज़ बताता हूँ, आप बाकी चीज़ें समझ जाएंगे। 10 से करता हूँ तो 10 9 90 9, ये 9 उतार लीजिए, 10 9 90 9, एक ही उतार गया, ये उतार दीजिए, ये वाला आपका 9 आ गया, अब ये उतार दिया आपने, अब ये उतार दीजिए, फिर 10 9 90 9, फिर ये 9 उतार दीजिए, 10 9 90 9। इससे क्या हुआ, ये 4 डिजिट आपको पहले के मिलकर डिवाइड करके और ये आखिरी का डिजिट है इसका, ये 4 डिजिट तो यहाँ मिल गए, आखिरी का डिजिट आपको मॉड्यूलो से मिल गया। तो हमने जब मॉड्यूलो निकाला तो हमारे पास रिमाइंडर ये आखिरी वाली चीज मिल गई, यानी कि 1 डिजिट मिल गया दिखना, राइट। इसी तरीके से आप बाकी जो है, जब एन नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये 4 9 मिल जाएंगे, ये आपको मिल रहा है, डिवाइड से रिजल्ट आता, मॉड्यूलो से रिजल्ट आता है। तो अब डिवाइड से आपको ये मिल गया, मॉड्यूलो से आपको ये मिल गया, आप क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस, अभी सम क्या है 0 0 0 + 9 करेंगे, ये 9 आया ना, ये वाला, ये जो आखिर का बचा ये वाला आ गया, ठीक। अब आपको यही चीज करनी है 4 डिजिट के लिए। अब आपके पास क्या बचा, अब ध्यान रखिएगा इस एन को आप ऑलरेडी चेंज कर चुके थे, इस एन में अब 9999 आएगा। मैं कह रहा हूं ये नंबर तो वैसे गलत है, क्योंकि ये आप इससे बड़ा डाल रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं आपको, ये नंबर आपने गलत, क्योंकि ये लिमिट हमने 326767 दिया तो ये नंबर ही गलत हो गया, लेकिन मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको। अब आपके पास केवल ये बचा, क्योंकि आपने एन डिवाइड कर चुके हैं। अब अगली बार क्या होगा, फिर से मॉड्यूलो निकालिए, फिर से डिवाइड करिए, तो मॉड्यूलो जैसे निकालेंगे तो ये अगला वाला मिल जाएगा ए में, और डिवाइड करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, तो ए में आ गया 9 और एन में आ गया 999। फिर से सम कर दीजिए, क्योंकि आपको ये वाला नंबर मिल गया, दूसरा आखिरी 5वें में ये तो मिल चुका था, ये मिल गया। ऐसे आप एक बार और करेंगे, एक बार और करिए, तो 999 में आपको ये मिल जाएगा
और ये अलग से मिल जाएगा, फिर इसको जोड़ दीजिए। अब 999 बचा, फिर से इसको डिवाइड करिए 10 से, फिर से मॉड्यूल लीजिए तो फिर से ये वाली आखिरी वाली डिजिट मिल जाएगी, इसको जोड़ दीजिए। फिर आखिर में जो बचता है फिर से एक बार करना पड़ेगा, आखिर में 9 बचता है वो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ये आपका फाइनल सम होगा। इसको दिखा दीजिए, सम करके नंबर भी दिखा दीजिए और बाहर आ जाइए। ये नंबर 999 नहीं लेंगे आप, 32767 से कम लेंगे। और जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, इस तरीके का कोई नंबर उठा के फिर आप कर सकते हैं। ये भी 32767 से बड़ा है, उसके नीचे रखिए। या फिर जो कंपाइलर डिपेंडेंट, आप जानते हैं कि ये 32767 से तक ऐसा नहीं होता कि वहां तक हो, जो भी आपका नंबर हो वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करिए। तो फिलहाल एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपको लिमिट देनी है, उस लिमिट तक यूजर एंटर करेगा, उसके बाहर करेगा तो ऑफकोर्स उसको पता है कि ये चीजें नहीं आनी।